नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास एक कमेंट आ चुका है, तो ये कमेंट कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर हमें क्या है कि ढलान में गाड़ी चढ़ानी है, और उसमें वो बता रहे हैं कि जो बिगनर्स हैं वो ढलान में गाड़ी चढ़ाते हैं और उनके पीछे भी कोई बैठे हो, यानी कि डबल सवारी वो चल रहे हैं, एक तो खुद ड्राइवर और एक पीछे बैठे हैं, और ढलान के अंदर यदि गाड़ी बंद हो जाए तो फिर उसे वापस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे कंट्रोल कर पाते हैं और ढंग से कैसे वापस चढ़ा पाते हैं। और इसमें ये बात भी विशेष ध्यान रखने वाली होती है कि वापस ढलान में गाड़ी पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि हम ढलान में आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं और उसमें आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उसकी सारी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों हम ढलान चढ़ने वाले हैं बाइक की, हमारे पीछे सवारी बैठी है, मैं यहाँ पर बाइक राइड करके ढलान में चढ़ाने वाला हूँ। तो ढलान चढ़ाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है वो चीज़ें आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी बिगनर्स गाड़ी चलाते हैं सीखते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और गाड़ी के बार बार बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जनरली नए सीखने वाले क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन बैठा नहीं पाते, उन्हें बैठाने में समय लगता है, इसलिए गाड़ी बार बार बंद होती है। नए सीखने वालों के लिए बात कर रहा हूँ। और थोड़े बहुत जो सीख चुके हैं, कॉम्बिनेशन बैठा चुके हैं, तो उन्हें क्या है कि ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि जब भी ढलान चढ़ाते हैं डबल सवारी में तो उनके साथ भी ये समस्या आती है कि वो गाड़ी बंद कर बैठते हैं ढलान में, क्योंकि जब भी आते हैं गति से थर्ड गियर में ढलान चढ़े हैं, ढलान अति ज़्यादा है, तो वो ढलान की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है, वहाँ पर गियर कम करना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है, तो वो चीज़ अगर समझ में ना आए तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये देखिए हम प्रैक्टिकल का दिखा रहे हैं कि यदि आपकी गाड़ी ढलान में बंद हो जाए तो फिर आप कैसे उसे वापस से किक लगा स्टार्ट करेंगे और आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो फिलहाल हम गाड़ी ढलान में खड़ी है ऑलरेडी हमारी, हम गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, कीक ऑन कर लिया। यहाँ पर देखिएगा ढलान में खड़े होते वक्त आपको विशेष ध्यान ये ब्रेक का ही लेना है, यदि आपका ब्रेक का कंट्रोल बराबर नहीं बैठ पाया तो गाड़ी पीछे की तरफ सरक जाएगी, ढलान में बैक चली जाएगी। तो उसे ही मेन कंट्रोल करना होता है ढलान में, कि गाड़ी पीछे की तरफ ना जाए। जब भी आप ढलान चढ़ रहे हैं और गाड़ी पीछे जा रही है तो फिर आगे ढलान आप कैसे चढ़ पाएंगे और आपकी रोड कैसे क्रॉस हो पाएगी, पार हो पाएगी, और अपनी मंजिल तक आप कहाँ से पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं देखिए ये दोनों ब्रेक का फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे किक लगाना होगा तो मैं ये आगे वाला ब्रेक दबा के रखूँगा, और यहाँ पर ये जो राइट लेग में किक है, मैं पावर स्टार्ट, मेरे पास बाइक ऑलरेडी है फिर भी मैं पावर स्टार्ट ऑन नहीं कर रहा हूँ, किक लगा कर स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि पूरी डिटेल इस वीडियो में आ पाए। देखिए मैं किक लगा कर स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी को, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने ब्रेक दबा के रखा है, इसी वजह से ये गाड़ी यहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि हम ढलान में ही खड़े हैं ऑलरेडी, ये स्टेबल इसी वजह से है क्योंकि हमने आगे वाला ब्रेक लगा के रखा है। फिर क्या करना है आपको, क्लच को पकड़ लेना है और फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर लेना है। ये देखिए क्लच को पकड़ लिया और फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर दिया मैंने। अभी मैं एक पांव तो मेरा ज़मीन पर है और राइट वाला लेग ब्रेक के यूज़ में लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, अभी थोड़ा सा रेस देना है बाइक को और क्लच को थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, और ब्रेक लगे हुए हैं फिलहाल मेरे। देखिए जब भी गाड़ी की आवाज़ बढ़ानी है क्लच को छोड़ना है, अब मैं ब्रेक को साथ में छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी के इंजन पर फोर्स आ रहा है, क्योंकि क्लच छोड़ रहा हूँ और रेस भी दे रहा हूँ, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और ब्रेक की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे क्या है कि मैं ब्रेक को अब रिलीज़ कर दूंगा, ये देखिए ये ब्रेक को मैंने छोड़ दिया है, अब देखिए गाड़ी भी पीछे नहीं जा रही है, मेरे ब्रेक छोड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको बिल्कुल सही तरीके से नज़ारा समझ में आ चुका है। अभी यदि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपकी गाड़ी बंद हो जाए, जैसे ही आप गाड़ी को आगे पीछे करते हैं और जो नए बिगनर्स होते हैं वो क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाएँ, तो यहाँ पर अगर गाड़ी बंद हो जाए तो मैं क्लच छोड़ के फिलहाल गाड़ी को बंद कर लेता हूँ। ये देखिए यदि आपकी गाड़ी इस तरह से बंद हो गई तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ब्रेक को छोड़ देंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ सरक जाएगी, और बीच ढलान में आप खड़े हो, समतल जगह पर नहीं हो, तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, फिर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ब्रेक का यूज़ तो अति आवश्यक है, यहाँ पर राइट लेग में किक को लगाना है, पहले गाड़ी को करने ना होगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल में करने के बाद आपको ब्रेक का यूज़, यहाँ पर देखिए मैं ब्रेक लगा के रख रहा हूँ इस हाथ से, या फिर आपको पैर से लगाना होगा, पैर से आप लगा इसलिए नहीं सकते, जब भी आप किक लगाएंगे तो ये तो लेग फ्री हो जाएगी, यानी पीछे वाला ब्रेक नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ आगे वाला ब्रेक ही यूज़ करना है फिलहाल के लिए। अगर आप पीछे वाला आगे वाला दोनों यूज़ कर सकते हैं तो दोनों बेटर है, दोनों यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर राइट हैंड में जो दे के रखा है ब्रेक उसे यूज़ कीजिए, और फिर आपको राइट हैंड वाला ब्रेक लगा के रखना है और किक को लगाकर गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। फिर से ये ब्रेक तो लगाकर ही रखना है, क्लच को पकड़ते हुए फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है, फिलहाल मैंने ब्रेक लगा के रखा है। अभी क्या करना है आपको कि धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे रेस को बढ़ाना है, ब्रेक को नहीं छोड़ना है, रेस बढ़ गई
क्लच को धीरे धीरे छोड़ दिया, अब आपको ब्रेक को छोड़ना है साथ में। ये देखिए कुछ इस तरह से ये गाड़ी हमारी आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और गाड़ी हमारे पीछे भी नहीं सरकी है। तो यहाँ पर हम ढलान भी चढ़ रहे हैं, कोई समस्या फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम ढलान भी चढ़ लेंगे और पीछे भी नहीं जा पाएंगे। यदि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसे करे कि क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाए तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम ढलान चढ़ लेते हैं, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि गाड़ी बंद हो जाए। ये देखिए यहाँ पर अगर गाड़ी बंद हो गई तो गाड़ी तो पीछे नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल फर्स्ट गियर में बाइक है, इसलिए पीछे तो ये नहीं जाएगी। पर आपको गाड़ी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए न्यूट्रल में लेना पड़ेगा। यदि आप गाड़ी को न्यूट्रल में लेंगे तो फिर आपको पहले न्यूट्रल में करना पड़ेगा, तभी गाड़ी का किक स्टार्ट कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले यदि आप न्यूट्रल में करते हैं, उससे पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो आगे वाला है और पीछे वाला ब्रेक दे के रखा है, उन दोनों में से या दोनों को इस्तेमाल करना सीखिए इस तरह से। तो अभी क्या करना है, हमें आगे वाला इस्तेमाल करना है। राइट पांव को नीचे रखते हुए लेफ्ट पांव को उठाते हुए न्यूट्रल में बाइक को कर लिया। ढलान आती है हमारे यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा ढलान जनरली सिटी में नहीं होती है, ये हम बहुत ही ऊंची जगह पे आए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान है। तो फिर हमें यहाँ क्या करना, न्यूट्रल में गाड़ी कर ली, उसके बाद आगे वाला ब्रेक हमने बिल्कुल दबा कर रखा है ताकि पीछे ना जाए गाड़ी। यहाँ पर किक को लगाकर हम करने वाले स्टार्ट गाड़ी, ये गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। आगे वाला ब्रेक हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, क्लच को दबाते हुए तुरंत ही फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है। गाड़ी की रेस को थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको, और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा। ब्रेक को अब छोड़ना है, जब भी रेस बढ़ा दो और क्लच को थोड़ा सा छोड़ दो, और गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए उस हिसाब से, फिर उसके बाद आपको ब्रेक छोड़ना है। ऐसे ही ब्रेक मत छोड़ना, वरना गाड़ी पीछे की तरफ पक्का चली जाएगी। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं ये ब्रेक छोड़ता हूँ आगे वाला, ये देखिए कुछ इस तरह से ये गाड़ी पीछे जा रही है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ब्रेक को पकड़ के रखना है, हल्की सी रेस ज़्यादा, क्लच को छोड़ा, अब रेस देके बढ़ाना है आगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लच को छोड़ा, रेस बढ़ाई, और यहाँ पर हम टॉप ऑफ द पॉइंट पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए तो कितनी बड़ी ढलान थी, और वो ढलान को हम पार करके यहाँ पर आ चुके हैं। गाड़ी हमारी पीछे भी नहीं गई है, और सारी डिटेलिंग के साथ मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप ढलान चढ़ाते हैं और आप डबल सवारी में हो और गाड़ी भी बैक नहीं जानी चाहिए, उस तरीके से कैसे यूज करें ब्रेकिंग का, गियर का, क्लच का, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने की कोशिश की है। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमारी मेहनत आपके लिए कुछ ना कुछ सफल हो पा रही है सीखने के लिए, तो एक लाइक दबाकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे नए जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच सकें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।